ब्रज को छोड़ करके मथुरा आ गए और मथुरा से द्वारिका चले गए। द्वारिका में विवाह हुआ माता रुक्मणी जी के साथ। माता रुक्मणी जी के साथ विवाह करके भगवान के पुत्र की प्राप्ति हुई। सबसे प्रथम पुत्र जिसका नाम प्रद्युम्न था, सम्रासुर दैत्य उनका हरण करके ले गया। किंतु अंत में सम्रासुर का उद्धार करके प्रद्युम्न महाराज अपनी माता के पास आए, रुक्मणी जी के पास आए। अब भगवान की दूसरी पटरानी, जाम्बती जी हुई, जो जामवंत महाराज की पुत्री है। किंतु इनके साथ भगवान ने विवाह कैसे किया? बोले एक सत्राजित नाम के व्यक्ति की मणि जो है वो खो गई थी और उसने भगवान पे कलंक लगाया कि भगवान ने मणि चुराई है। उस मणि को ढूंढने के लिए भगवान चले गए वन में कुछ द्वारिकावासियों को लेके। द्वारिकावासियों से कहा कि भैया हम मणि को ढूंढने जा रहे हैं। मणि को एक भालू जिनका नाम जामवन जी ही था वो उस मणि को लेकर के गुफा में चले गए थे। तो प्रभु भी उस मणि को ढूंढते ढूंढते गुफा में जा रहे थे और सब ब्रजवासियों को पहले ही बोल दिया, द्वारिकावासियों को पहले बोल दिया कि भैया तुम सब यहाँ बाहर गुफा के बैठ जाओ, मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। और हाँ, 15 दिन तक अगर मैं बाहर नहीं आऊँ, 15 दिन तक तो मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 15 दिन में भी बाहर नहीं निकला तो तुम वापस चले जाना कि भगवान नहीं आने वाले, कह के भगवान अंदर प्रवेश कर गए। पर विशाल गुफा थी, भगवान ने प्रवेश तो किया लेकिन 15 दिन तो कब अंदर घुसने घुसने में निकल गए पता ही नहीं लगा। अब द्वारिका वासियों ने सोचा 15 दिन हो गए, अब भगवान नहीं आने वाले, इसलिए सारे द्वारिका वासी उस स्थान को छोड़ के जाने लगे। तब विचार आया, अरे भैया वो भालू कितना शक्तिशाली होगा जिसने भगवान को हरा दिया, अगर वो निकल के बाहर द्वारिका आ गया तो सारी द्वारिका को तहस नहस कर देगा। इसलिए गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर अड़ा दिया ताकि वो भालू बाहर ना आए और चले गए। ब्रज के संत कहते, भैया देखो बस यही अंतर है द्वारिका वालों में ब्रज वालों में। द्वारिका वाले थे 15 दिन भगवान ने कहा नहीं आए, छोड़ के चले गए। और इसी स्थान पर कोई ब्रजवासी होता तो बताइए, लाला को छोड़ के जाता, कन्हैया को कभी छोड़ता? अरे और तो छोड़िए, 7 दिन तक गिरिराज उठाया, कोई एक भी ब्रजवासी कोई ना सोया ना भोजन किया न जल पिया, 7 दिन बस कृष्ण की टकटकी लगाए देखते रहे देखते रहे देखते दर्शन करते रहे। केवल लाला का दर्शन करते रहे निहारते रहे। अरे भैया औरों की तो बात क्या कहें, ब्रज के पशु पक्षी भी लाला से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि ब्रज में जितनी भी गैया थी कृष्ण को देख कर के ही उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता था। बछड़े कूदने लगते थे, मयूर कृष्ण को देख के नृत्य करने लगते थे। यहाँ तक कहा गया है, यहाँ तक वर्णन है कि जब कृष्ण ब्रज छोड़ कर के मथुरा गए तो उस समय ब्रजवासी जितना रोए उतना ही ब्रज के पशु पक्षी भी रोए। पक्षी भी ऐसा रोते थे मानो झरझर बारिश हो रही, वृक्ष पर बैठ कर के रुदन करते। और वहाँ उद्धव जी ने जा कर के बैठ के देखा वर्षा हो रही, ऊपर देखा तो पक्षी बैठे बैठे रो रहे हैं कि ये उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के आया। नंद बाबा की 9 लाख गैया थी लेकिन कृष्ण के विरह में हर रोज एक गैया अपने प्राणों का त्याग कर देती थी, हर रोज प्राण त्याग देती। इसलिए भैया ब्रजवासी तो ब्रजवासी है, लाला इनका प्राण है और ये लाला के प्राण है। सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन कृष्ण के सुख की इच्छा ये कभी नहीं छोड़ सकते। तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें लाला प्रसन्न रहे, जिसमें कान्हा सुखी रहे,
वही हमें करना है, ये इनके हृदय की भावना होती थी। तो द्वारिका वाले तो सब एक एक करके छोड़ के निकल दिए। तब भगवान ने अंदर जाकर के जामवंत के साथ थोड़ा युद्ध किया, 27 दिन तक युद्ध चला। अंत में भगवान ने राम रूप का दर्शन कराया तो जामवंत जी को समझ आया कि ये कौन है, और मणि भगवान को वापस दी और अपनी पुत्री का ब्याह भगवान कृष्ण से करा दिया। तो दूसरी पटरानी भगवान की हुई है जामवती जी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।